हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन से एक वीडियो का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं ऑयल पेस्टल को ब्लेंड कैसे करता हूँ। तो आज का पूरा टॉपिक इसके बारे में ही होगा कि मैं ऑयल पेस्टल को ब्लेंड किस चीज़ से करता हूँ और ब्लेंडिंग का सबसे बेस्ट टूल्स कौन सा है। वैसे तो ब्लेंड के लिए बहुत सारा टूल्स होता है, लेकिन जो कॉमन है उनमें से मैं तीन टूल्स को आज आपको दिखाऊंगा डेमो के साथ कि कौन सा बेस्ट है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं पर्सनली कौन सा टूल्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे कौन सा अच्छा लगता है। ऑयल पेस्टल आप अगर यूज़ करेंगे तो ब्लेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसके लिए अच्छे से अच्छा टूल्स चाहिए ब्लेंड के लिए। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है पेज। आप कौन सा पेज के ऊपर ऑयल पेस्टल का यूज़ करते हैं वो भी मैटर करता है। जैसा आपका पेज अगर रफ होगा तो आपका ब्लेंड ज़्यादा अच्छा होगा, अगर पेज प्लेन होगा तो उतना अच्छा ब्लेंड आप नहीं कर पाओगे अगर आप बिगिनर्स हो। जैसा कि आप ए पेज देख सकते हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, मीडियम सरफेस का है, ज़्यादा रफ भी नहीं है और ज़्यादा प्लेन भी नहीं है। तो इस तरह का पेज अगर आप बिगिनर्स हो तो प्लेन तो आप बिल्कुल भी मत करिए, रफ पेज का यूज़ करें या फिर मीडियम सरफेस का पेज यूज़ करें जैसे मैं करता हूँ। ये मीडियम सरफेस का पेज है जो मैं यूज़ करता हूँ और इसका टेक्सचर सब देखिए, ये बिल्कुल भी रफ नहीं है और बिल्कुल भी प्लेन भी नहीं है, मीडियम है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ मीडियम सरफेस के ऊपर। तो अगर आप बिगनर्स तो हैं तो इस तरह का पेपर आप भी यूज़ करें तो ब्लेंड और भी अच्छा होगा। तो चलिए अब हम टूल्स को यूज़ करके देखते हैं कि कौन सा टूल बेस्ट है। तो टूल यूज़ करने से पहले मैं रेड और ऑरेंज कलर को तीन पार्ट में डिवाइड करके मैं पहले कलर कर लेता हूँ और उसके बाद हम हर एक पार्ट को अलग अलग टूल का यूज़ करते हुए देखेंगे कि कौन सा बेटर है। तो मेरा कलर कंप्लीट हो गया है, अब हम टूल का यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने पहले बोला था कि मैं थ्री पार्ट में डिवाइड करूँगा, लेकिन मैं फोर्थ पार्ट भी बनाया है और मैं ए में किस लिए बनाई हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि मैं जिस चीज़ से इसको ब्लेंड करेंगे वो चीज़ हम लोगों के पास हमेशा होता है। तो इसलिए मैं फोर्थ पार्ट भी बनाया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वो टूल्स का भी यूज़ करते हैं। तो एक सीक्रेट है, आप पूरा वीडियो देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉटन पार्ट का यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करते हुए देखता हूँ कि ब्लेंड कैसे होता है। और आपको कभी भी कॉटन पार्ट को इस तरह से नहीं पकड़ना है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो कॉटन है वो खुल के बाहर आ जाएगा तो आप ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको पकड़ना है। इस तरह से आपको पकड़ना है, जैसे हम पेन और पेंसिल को जो जैसे पकड़ते हैं उसी तरह आपको इसे भी पकड़ना है, और ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना होगा। तो देखिए मेरा जो ब्लेंड था वो हो गया है और बहुत अच्छा ही हुआ है। इस तरह से आपको करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। और अब देखिए कि मैं साइड से नहीं किया हूँ, मैं पूरा जो पेन और पेंसिल जैसे पकड़ते हैं उसी तरह पकड़ के इसे किया हुआ। अगर मैं साइड से करता तो कॉटन खुल के बाहर आ जाता। तो अब हम ड्राई टिश्यू का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ड्राई टिश्यू से कैसे ब्लेंड होता है, अच्छा होता है या नहीं। तो मैं टिश्यू को थोड़ा कट कर लेता हूँ क्योंकि जो जिस जगह में हमें ब्लेंड करना है वो बहुत छोटा है और टिश्यू बहुत बड़ा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसे करना है। इसे फोल्ड करने का भी एक तरीका होता है, आप देखिए कि कैसे। मैं अगर मैं इस तरह से करूँगा तो नहीं होगा, तो इसके आपको थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। कैसे फोल्ड करना है आप देखिए, तो ऐसा है। तो उसके बाद हमें इस तरह से पहला फोल्ड करना है और आपको इस तरह से सेकेंड फोल्ड करना है, और उसके बाद भी आप चाहे तो एक फोल्ड और कर सकते हैं, उसके बाद आप ब्लेंड करेंगे। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इसे फोल्ड करना है। और आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लेंड हुआ है, लेकिन ये जगह बहुत ड्राई हो चुका है क्योंकि सारा जो ऑयल पेस्टल का कलर था वो टिश्यू में आ चुका है और ये बहुत ड्राई हो गया। आप इधर देखिए कैसा है और आप इधर देखिए कि बहुत ड्राई हो गया है इस जगह। तो इसलिए
क्योंकि पूरा जो ऑयल पेस्टल का जो ऑयल वाला जो पार्ट होता है वो पूरा इस टिश्यू में आ चुका है और ये जगह बहुत ड्राई हो चुका है। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है टिश्यू से ब्लेंड करने में, मैं थोड़ा सा और ट्राई करके देखता हूँ। तो और भी ड्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं कि पूरा कलर टिश्यू में आ चुका है। तो टिश्यू से ब्लेंडिंग ऐसा ही होता है। अब हम थर्ड टूल को यूज़ करेंगे जो पेपर स्टैम्प है, और ये पतला भी होता है और मोटा भी होता है। इसका हर एक पेपर स्टैम्प पे नंबर होता है, जैसा कि ये इसका नंबर है 2, तो इस तरह से नंबर होता है हर एक पेपर स्टैम्प पे। आपको जिस जगह को आपको ब्लेंड करना है उस जगह के हिसाब से आप पेपर स्टैम्प को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे ट्राई करते हैं। तो नॉर्मली इसे हम अगर पेन के हिसाब से या पेंसिल जैसे पकड़ते हैं उस तरह अगर हम इसे ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंडिंग नहीं होगा। अब देखिए कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं जब ट्राई कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा इसे जब हम पेंसिल सेटिंग जब करते हैं तो जिस तरह से पेंसिल्स को पकड़ना है उस तरह आपको ये पेपर स्टैम्प को पकड़ना है, तब जाके ब्लेंड हो सकता है। और अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि मैं कभी भी इसका यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैं दूसरा सब टूल्स यूज़ करता हूँ, लेकिन ये मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ जब मैं ऑयल पेस्टल ब्लेंड करता हूँ। तो देखिए जब मैं ऐसे किया तो कुछ ब्लेंड हुआ, लेकिन जब मैं पेंसिल्स के हिसाब से पकड़ रहा था तो ब्लेंडिंग नहीं हो रहा था। तब जब मैं इस तरह इसको किया तो ब्लेंड हुआ। इसके लिए ही मैंने बोला था कि टूल्स तो मैटर करता है, लेकिन उन्हें कैसे यूज़ करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम फोर्थ टूल यूज़ करेंगे। और ये फोर्थ टूल क्या है, पहले तो मैं हम कॉटन बट से कर लिया है, टिश्यू से कर लिया, स्टेम पेपर से कर लिया, लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमारा हाथ। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उंगली से ऑयल पेस्टल को ब्लेंड कर लेता है। मैंने भी ट्राई किया है, लेकिन होता है, उतना बुरा भी नहीं होता है, लेकिन मैं सच बोलूँ तो मुझसे नहीं होता है उंगली से, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है। आप देखिए कि जब आपको करना है तो वैसे ही सारी टूल्स के हिसाब से ही आपको इसे ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से करना है, लेकिन फिर भी जब आप ब्लेंड करेंगे तो अब देखिएगा कि कलर फेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्मूथ से ब्लेंड नहीं होगा उंगली से। ठीक है, आप जितने भी अच्छे से करने की कोशिश करेंगे उतना ही बुरा हाल हो जाएगा। तो मुझसे उंगली से नहीं होता है। बहुत लोग को मैंने देखा है कि इससे भी कर लेता है, लेकिन मुझसे नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए फोर्थ ऑप्शन में इसे रखा था, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो टूल्स हमें परचेस करना पड़ता है, लेकिन हम तो उंगली से भी कर सकते हैं, अपने हाथों से भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको दिखाया, और देखिए कलर मेरे हाथ पे लग गया है, लेकिन ब्लेंड उतना अच्छे से नहीं हो रहा। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं कि ये जो जगह है वो फेड हो गया है कलर का। तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि मैं जब कॉटन बट से किया था तो इस तरह हुआ था ब्लेंडिंग। ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरा भी नहीं हुआ है। और उसके बाद सेकंड टाइम हमने टिश्यू से किया था। तो टिश्यू से करने से एक जो होता है जो बहुत ड्राई होता हो जाता है और पूरा का पूरा कलर टिश्यू में आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए टिश्यू को अवॉइड करता हूँ। और मैं जब ऑयल पेस्टल करता हूँ तो बहुत डिटेलिंग से काम करना पड़ता है, तो मेरे लिए कॉटन बार्ड सही है या फिर पेपर स्टैम्प, लेकिन टिश्यू का यूज़ मैं तब करता हूँ जब मुझे डिटेलिंग्स में काम नहीं करना है ऑयल पेस्टल में, तब मैं टिश्यू का यूज़ करता हूँ। अब जो हमारा थर्ड टूल था वो था पेपर स्टैम्प। तो हमने पेपर स्टैम्प से भी ट्राई किया है और ब्लेंडिंग ठीक ठाक ही हुआ है, ज़्यादा खराब नहीं हुआ है। लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऑयल पेस्टल ब्लेंड करने में इसका यूज़ अच्छा नहीं लगता। मैं जब पेंसिल स्केच करता हूँ तब इसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इससे भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होता है। ठीक है, और फोर्थ जो टूल्स था वो था अपने हाथों से करना, ब्लेंड करना। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके पास इस तीनों टूल्स में से कोई भी हो तो आप हाथ का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हाथ का यूज़ करते हुए अगर आप ब्लेंड करेंगे तो बहुत जगह ऐसा होगा कि कलर फेड हो जाएगा।
ठीक है, अब इधर देखिए और इधर देखिए, आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हाथ से आप ना करें। आप ट्राई कर सकते हैं मेरे बात ना सुनकर, आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं कि अगर आप हाथ से आप आपको होता है तो आप करना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आप मुझे पर्सनली आप मुझे बोलेंगे कि मैं कौन सा टूल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा मैं कॉटन बार्ड का यूज़ ज़्यादा करता हूँ, वो ऑयल पेस्टल हो या फिर पेंसिल स्केच, मैं कॉटन बार्ड का यूज़ ज़्यादा करता हूँ। और आप देख सकते नंबर 1 और 3 ये दोनों ठीक ठाक है, और नंबर 2 और 4 में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉटन बार्ड का यूज़ करिए और पेपर स्टैम्प का यूज़ करिए, और टिश्यू को आप अवॉइड कर सकते हैं, और हाथ से बिल्कुल भी मत करिए। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है कॉटन बार्ड, आप कॉटन बार्ड का यूज़ कीजिए, बहुत अवेलेबल है और बहुत इजी है यूज़ करना। तो आज का वीडियो यही तक का था। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊं जिसमें मैं पूरा ब्लेंड करके आपको दिखाऊं, इस वीडियो में मैं जस्ट टूल्स के ऊपर कुछ आपको सिखाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा ब्लेंड करके आपको दिखाऊं पार्ट पार्ट करके कि कौन सा टूल में कैसा हो रहा है, तो वो वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए मुझे कमेंट करना पड़ेगा। और इस वीडियो से आपने अगर टूल्स के बारे में थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और कमेंट करके मुझे बोलना कि आपके पास कौन सा टूल है और आप कौन सा टूल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपको कौन सा टूल अच्छा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा।